नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपका कोई पेमेंट किसी व्यक्ति के पास ड्यू है तो दोस्तों उसको किस तरह से आप निकलवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह की पेमेंट रिकवरी के केस के मामले में आप चार तरह के सूट फाइल कर सकते हैं। चार तरह के केसेस फाइल करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सबसे पहला, अगर आपका कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो आप कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत में केस फाइल कर सकते हैं, और इसके तहत अगर आप केस फाइल करते हैं तो आपका जो केस है वो काफ़ी स्पीडी ट्रायल होगा। यानी कि यहाँ पर कमर्शियल कोर्ट एक्ट में जो ट्रायल है वो स्पीडी ट्रायल होती है। और इसमें एक बात आपको और भी बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपका कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत में आपने कोई केस डाला है और उस केस में कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो केस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्री किया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर अपोजिट पार्टी को रिटन स्टेटमेंट का जो चांस मिलेगा, उसके बाद में अगर कोर्ट एडमिशन डिनायल के तहत में ये पाती है कि आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग है और इस केस की फर्दर ट्रायल की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में कमर्शियल कोर्ट एक्ट के पास में पावर है कि वो जो है रीजन्ड ऑर्डर पास करके जो है केस को डिक्री कर सकती है। तो दोस्तों ये हुआ एक कमर्शियल कोर्ट एक्ट का केस जिसके तहत में आप रिकवरी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों ऑर्डिनरी सूट होता है रिकवरी ऑफ मनी का। इसके तहत आपका जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसके तहत आप रिकवरी ऑफ मनी का केस फाइल कर सकते हैं। यहां पर आपको रिकवरी ऑफ मनी जो है ऐसा केस फाइल करने के लिए आपको जो है कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी। तीसरा दोस्तों रिकवरी का ही केस होता है लेकिन वो ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत फाइल किया जाता है और इसको समरी सूट यानी समरी ट्रायल भी कहते हैं। इस केस को फाइल करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो अमाउंट है वो लिक्विडेटेड अमाउंट होना चाहिए। लिक्विडेटेड अमाउंट का मतलब ये हो गया कि एक फिक्स और निर्धारित अमाउंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल या फ्लैक्चुएट होने वाला अमाउंट नहीं हो। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी अकाउंट है जो रनिंग अकाउंट है ट्रांजैक्शन के दौरान, तो ऐसे रनिंग अकाउंट के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के लिए आप ऑर्डर 37 का सूट फाइल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई स्पेसिफिक माल डिलीवर किया है और उस स्पेसिफिक माल के बिल के तहत का सिंगल अमाउंट है, वो चाहे एक्स वाई जेड अमाउंट हो, आप उस फिगर के लिए जो है ऑर्डर 37 का सूट फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपने किसी चेक के तहत में कोई अमाउंट दिया और वो चेक जो है डिसऑनर हो गया, तो आप जो है उस चेक के बेस पे आप ऑर्डर 37 का सूट फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर प्रोमिसरी नोट अगर आपके पास में है तो आप ऑर्डर 37 के तहत रिकवरी का फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों जो चौथा और जो अंतिम ये केस है वो होता है ऑर्डर ये 138 का केस। दोस्तों 138 NI के केस में अगर मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिए हैं और वो चेक बाउंस हो जाते हैं, तो आप उन चेकों के बेस पे आप जो है 138 के तहत में केस फाइल कर सकते हैं, जहां से आपको, हालांकि यहां पे रिकवरी का ऐसा प्रावधान नहीं है लेकिन पेनल्टी और फाइन का प्रावधान है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट रिकवरी ना मान के पेनल्टी और फाइन मान सकते हैं। और इस 138 के केस के तहत भी आपके अमाउंट को जो है रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 138 का जो केस है वो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ही फाइल किया जाता है, लेकिन किसी केस में अगर मान लीजिए चेक बाउंस के केस में आप वो केस स्पेसिफिक पीरियड में फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस चेक के बेस पे ऑर्डर 37 का या फिर रिकवरी सिंपल सूट भी फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए आपकी चेक का जो पीरियड है वो निकल चुका है, यानी आपने बाउंस कराने के बाद में भी जो स्पेसिफिक पीरियड है उसके तहत केस नहीं फाइल किया, तो आपके पास एक रेमेडी है कि आप उस चेक के बेस पे आप रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के तहत में आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपके पास में कोई रिकवरी ड्यू है तो आप किस तरह से उस रिकवरी को जो है आप ले सकते हैं कोर्ट के सहारे। तो ये दोस्तों छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।